हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आपके साथ लेकर के आ गई हूँ स्किन केयर पर फिर से वीडियो, क्योंकि मैं कर रही थी अपना स्किन केयर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिल जाएगा स्किन केयर करने का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ग्लो अप फेशियल रूटीन, एक छोटा सा फेशियल जिससे कि आपको इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। तो स्किन केयर करने से पहले मैं अपने हेयर्स को करूँगी टक, और मेरे फेस पे लगा हुआ है थोड़ा बहुत सा मेकअप, लिपस्टिक और मस्कारा, तो हम इसे करेंगे पहले रिमूव। तो मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट वाइप्स, और आप इसकी जगह कोई भी मिसेलर वाटर, क्लींजिंग बाल्म या तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल से भी बहुत अच्छी तरीके से आपका मेकअप उतर जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लींजिंग बाम और कोकोनट जो ऑयल है दोनों से बहुत अच्छी तरीके से मेकअप उतरता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास आज यही ऑप्शन था, वेट वाइप मेरे सामने ही रखी हुई थी तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। वैसे तो ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और मेरे पास एक मिसेलर वाटर भी रखा हुआ है, तो मैंने अपनी लिपस्टिक, मस्कारा और थोड़ा बहुत जो कंसीलर था उसको इस वेट वाइप से पूरा रिमूव करा। इसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को वॉश, और गाइज आपको मेकअप के बाद तुरंत डायरेक्ट अपने फेस को फेस वॉश से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, आपको इस तरीके से पूरा मेकअप रिमूव करना है, उसके बाद हम करेंगे फेस वॉश। तो फेशियल स्टार्ट करेंगे हम मसाज क्रीम से, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर राशेल की ये स्किन वाइटनिंग मसाज क्रीम, और इसमें है नियासिनमाइड जो कि आपकी डार्क स्पॉट्स को कम करता है, पिगमेंटेशन हटाता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, तो मैं इसे थोड़ा सा लेकर के अपने फेस में अपनी फिंगर की हेल्प से मसाज करूँगी। गुआशा से हम इसे मसाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फेशियल ऑयल या कोई ऑयल या एलोवेरा जेल यूज़ करें तब हम गुआशा का यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो क्रीम है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, इसलिए मैं अपने हाथों से अपने फेस पर इस तरह सर्कुलर मोशन से मसाज कर रही हूँ। यह मसाज आपको करना है 5 से 7 मिनट तक। तो इस तरह से आपको अपने फेस पर मसाज करना है अपनी फिंगर की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन पर, और जितना भी प्रोडक्ट आपने अपनी स्किन पर लगाया हुआ है आप उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने का मौका दे, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसमें है नियासिनमाइड जो कि ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन से जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे, रेगुलर मीन्स कि आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार अप्लाई करेंगे, तो ये आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, और आपकी स्किन को 1-2 शेड लाइट भी कर सकता है। तो आप ये फेशियल किट अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, मुझे नायका का आइडिया नहीं है। ये किट तो मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर, और नेक्स्ट आपको करना है स्क्रबिंग, और इसके लिए मैं सेम रेंज का स्क्रब यूज करने वाली हूँ, और मैंने आपको इसके इंग्रीडियंट्स और ये क्या क्लेम करता है मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इसमें नियासिनमाइड और ये आपकी स्किन को 1-2 शेड लाइट करता है। तो मुझे बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं स्क्रबिंग पर। तो इस तरीके से आपको अगेन 5-7 मिनट्स अच्छे से स्क्रब करना है, जिससे कि आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड और जितनी भी डर्ट और पॉल्यूशन जमा हुआ है वो बिल्कुल रेजिड्यू साफ हो जाए, निकल जाए। तो इसके लिए हम करेंगे स्क्रब। वैसे मैं काफ़ी दिनों बाद आजकल स्क्रब करने लगी हूँ, 1-2 महीने से, नहीं तो मैं पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करती थी। अब मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश, और अभी तो हमारी स्किन के लिए सिर्फ 2 ही स्टेप हुई है, अभी बाकी स्टेप बाकी हैं। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 पर। तो इसके लिए हम लगाएंगे फेस पैक, डॉक्टर राशेल का स्किन वाइटनिंग फेस पैक, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। तो मैं इसे ब्रश या कोई स्पून से बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि प्रोडक्ट मूव नहीं होगा, और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूँ, तो मैं तो अपनी फिंगर से ही पूरा फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, बाकी आप चाहो तो ब्रश स्पून का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने फेस पैक को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, और इसे हम अप्लाई करेंगे 15 मिनट के लिए, और ये जो फेस पैक है ना, इसे लगाने के बाद ये आपको हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट देगा, ये थोड़ा सा जलन करेगा, बट इट्स ओके, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश। अब फेस को वॉश करने के बाद मेरी स्किन में मुझे बहुत डिफरेंस दिख रहा है। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप अपनी स्किन केयर की, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डॉक्टर राशेल का स्किन वाइटनिंग जेल, और ये जो जेल है ये मुझे इस फेशियल किट का सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा, क्योंकि आप इसे बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैं अपने फेस पर अपने फेशियल कंप्लीट होने के बाद इसे अप्लाई कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, और ये बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग है, इसे लगाने के बाद स्किन बहुत ही रिफ़्रेश हो जाती है।
इसके अलावा आप इस जेल का यूज़ कर सकते हो अपने फेशियल हेयर रिमूव करते टाइम, या तो आप धूप से आए हुए हो और आपको काफ़ी पुरानी टैनिंग है तो आप शावर लेने के बाद अपनी पूरी बॉडी में भी इस जेल को अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ बॉडी मॉइस्चराइज़र, एज अ फेस मॉइस्चराइज़र। और इस फेशियल किट में जो पर प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो आपको मिलेगी 380 ml, तो आप इसे अपने फेस के साथ अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कई बार अपने हैंड्स एंड लेग्स पर भी इसका यूज़ किया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।